नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नया चैनल में डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। आपको पता होगा अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा सीरीज चल रहा था दोनों चैनल्स में कि विंटर सीजन में कौन कौन सी रेमेडीज आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, बेस्ट ऑफ बेस्ट रेमेडीज मैं लेकर आया हूं और आज भी एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडीज के बारे में चर्चा करेंगे। आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है पेट्रोलियम। या दोस्तों, विंटर सीजन में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स है, खास करके तीन प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि विंटर सीजन में बहुत ज्यादा एग्रेवेट करता है। विंटर सीजन आते ही, सर्दी का मौसम आते ही इनका सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर इस तरह का सिचुएशन, इस तरह के जो सिम्टम्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो अगर मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली इस दवाई का इस्तेमाल करें। बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट दवा है और एग्रवेशन करता है, लेकिन लोअर पोटेंसी में अगर आप देंगे तो एग्रवेशन नहीं होगा। हायर पोटेंसी में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, 200 में हो या 1 ml में हो, उसका रिपीटेशन ज्यादा ना करें। जस्ट लाइक सल्फर, जैसे सल्फर एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, उसको हायर पोटेंसी में रिपीट करने से खतरा है, एग्रवेशन होने के चांसेस है। इसमें भी सेम टू सेम है, 200 या 1 ml में उसको रिपीट ज्यादा ना करें, सिंगल डोज ही काफी है। अगर डाइल्यूटेड करके लेंगे तो एग्रवेशन होने का चांसेस नहीं होता। तो आइए देखते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, किस सिम्टम्स के आधार पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है, हाईली प्रूव्ड मेडिसिन है, तो इसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे लोग तरह तरह के दवाइयों के बारे में बोलते हैं जो कि प्रूव्ड नहीं होते या फिर कम प्रूव किया जाता है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट मेडिसिन, हाईली प्रूव्ड मेडिसिन है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स 3 से 4 मैच करें, डेफिनेटली आप दीजिए, फटाफट काम करेगा। विंटर सीजन में एग्रवेशन होने का जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, सबसे पहला है कैटरल कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, मतलब आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक से पानी बहना, छींक आना, नाक के अंदर क्रस्ट होना, नाक बंद होना, उसके बाद थ्रोट, आपके फेफड़े, फेफड़ों से रिलेटेड जितने भी समस्या है, ये जो भी चीज हो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी तरह की समस्या है, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन आने से बढ़ जाता है, समर और रेनी सीजन में उसका उतना नहीं होता, लेकिन विंटर सीजन में अगर प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये तो रहा पहला सिम्टम, कैटरल कंडीशन के बारे में हमने चर्चा किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है गैस्ट्रिक एसिडिटी और सार इरिटेशंस, मतलब पेट संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, खास करके पेट में जब दर्द होता है, उसका एक खास सिम्टम है कि पेट का जो समस्या है वो खाली पेट रहने से बढ़ जाता है, एम्प्टी स्टमक उसका एग्रवेशन होता है, खाने से कंटिन्यूसली जब खाता है वो, उसमें सारे प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम, जो दर्द होता था, जो उसका एसिडिटी है, इरिटेशन है, उसमें उसको आराम मिलता है। ये चीज आपको एनाकार्डियम में और सेपिया में भी मिलेगा, ये हमने डिस्कस किया था उन दवाइयों के जब चर्चा किया था हमने। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज है जिसमें खाना खाने से पेट संबंधी समस्याओं में उसको आराम मिलता है, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा हैसियल जब सिक्रेट होता है तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, छाती में जलन होता है, दर्द होता है, ये तमाम समस्याएं और भी दवाइयों में है, लेकिन विंटर सीजन में अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप पेशेंट को जब पूछेंगे तो बोलेगा कि पूरे सालों भर मुझे रहता है, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है ना, ये समस्याएं और बढ़ जाती है, तब आप पेट्रोलियम के बारे में सोचना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जब एसिडिटी के बारे में दवा देते हैं तो पेट्रोलियम ज्यादा यूज नहीं करते, वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि पेट्रोलियम एक स्किन रिलेटेड रेमेडी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एसिडिटी के लिए इस तरीके से फास्ट काम करता है जो कि दूसरी रेमेडी जैसे कि पल्सेटिला, कार्बोबेज, एसिड सल्फ, ठीक है, और भी कई सारे हैं, जैसे मैंने भी कहा रोबिनिया, मदर टिंचर में आयरिस वर्सिकलर, ये सब दवाइयां उतनी जल्दी काम नहीं करती जितना फास्ट पेट्रोलियम काम करती है, अगर उसके सिम्टम्स मैच करे, जो कि विंटर सीजन में एग्रवेशन हो और उसके साथ साथ पेट संबंधी समस्या, जो कि खाना खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा आराम मिले, तो ये अगर हो तो बिल्कुल आप देना, रिजल्ट फटाफट आएगा। पोटेंसी कैसे देना वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए वीडियो के, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, स्किन इरिटेशन, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं, ये बहुत ही फेमस है ये दवाई, कि स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है,
और ये बढ़िया काम करती है स्किन चाहे कोई भी हो, सोराइसिस, एक्जिमा, हर्पिस, रिंगवर्म, स्कैबीज, कुछ भी, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो, अगर वो विंटर सीजन में बढ़ जाता है, विंटर सीजन आते ही उसका जो स्किन है ड्राई हो जाता है, लेदरी हो जाता है, मतलब उसमें क्योंकि पेट्रोलियम, जैसे कि हमने बहुत बार जिक्र किया था कि ये खास करके ऑयल की और सेबेसिस ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके ऊपर एक्शन करता है, ये ग्लैंड्स डोरमेंट हो जाते हैं, प्रॉपर सीक्रेशन नहीं कर पाते, तो ये उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन करके, उसको कुछ इंपॉर्टेंट उसको देके ये फिर उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तो सेबेसिस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, स्किन ड्राई हो जाता है, आमतौर पर स्किन जब मॉइस्ट होता है ना तो ये इरप्शन से ज्यादा नहीं आता, वो बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसको चेकअप करने के लिए भी काम करते हैं, लेकिन जब वो प्रॉपर तरीके से काम ना करे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन फट जाता है, ड्राई हो जाता है, फीसर हो जाता है, क्रैक, ये सब सिचुएशन हो जाता है, जैसे कि चमड़ा बहुत ही खुरदरा हो गया हो, तो उस तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए पेट्रोलियम सबसे बेस्ट है। इसीलिए पेट्रोलियम जेली बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम अगर उसको पोटेंडाइज वे में यूज़ करें, इंटरनली यूज़ करें, तो उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ कर लेना ही उसका सही समाधान नहीं है, कुछ समय के लिए वो कम हो जाएगा, फिर जैसे ही नेक्स्ट विंटर आएगा आपका फिर से आ जाएगा। तो अगर परमानेंटली उसका सोल्यूशन करना है तो ये डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी पेट्रोलियम आप इंटरनली यूज करिए, देखिए आपकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से होगा। ठीक है, तो ये तो तीन इंपॉर्टेंट इसके है, किस किस तीन इंपॉर्टेंट के आधार पर हम पेट्रोलियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जिसके आधार पर आप पेट्रोलियम का सिलेक्शन कर सकते हैं और परफेक्टली काम करेगा। लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लेंट्स फॉलोड बाय मेंटल स्ट्रेस लाइक फ्राइट एंड वैक्सेशन। इसका क्या मतलब है कि मेंटल स्टेट अगर कुछ है, फ्राइट और वैक्सेशन, लॉन्ग टाइम से किसी चीज से कोई इंसान डरा हुआ है और वो लगातार डरता रहता है उस चीज से, ठीक है। दूसरी चीज वैक्सेशन, जिसका मतलब है कि वो इरिटेशन ज्यादा होता है, एंगर ज्यादा होता है, किसी के परेशान किया हुआ, किसी के सताए हुए, ठीक है, कोई अगर किसी से डरा हुआ है, परेशान कोई करता है उसको लॉन्ग टाइम से, और वो उसके जहन में घुस गया है और वो कई मामलों में मेंटल लेवल से जाकर फिजिकल लेवल पे हो जाता, कन्वर्ट हो जाता है और वो फिजिकल बहुत सारी बीमारियां उसे आती है। तो इस तरह के सिचुएशन में लोग ज्यादातर इग्निशिया यूज करते हैं, नेट्रोमी यूज करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। ये चीज याद रखना आप कि लॉन्ग टाइम से कोई अगर किसी मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, उसके इफेक्ट के कारण उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुआ है, तो आप पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, किस पोटेंसी में, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी सिर्फ सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। ये चीज हो गया माइंड से रिलेटेड, कुछ स्किन के प्रॉब्लम, उसका क्या खासियत है। मोस्ट इरप्शंस स्टार्ट मोस्ट बैक एंड ईयर, जैसे कि ग्राफाइटिस में हमने जिक्र किया था, वहां पर भी वो एक पानी जैसा रिश्ता रहता है जो कि बहुत ही चिपचिपा सा होता है, लेकिन यहां पर मोस्ट होता है, जैसे कि थोड़ा उसमें पानी है, होता है मॉइस्ट होता है, लेकिन वो पानी रिश्ता नहीं है, बहुत ज्यादा पानी नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा निकलता है, मॉइस्ट रहता है। तो उस जगह पर खास करके स्काल्प, जो हमारे बालों के अंदर स्काल्प है वो है, और बैक वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा सर का, और कान का हिस्सा एरिया, यहां तक कि कुछ लोगों के कान में भी डेंड्रफ हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा वो पपड़ी जैसा निकलता है, ड्राई हो जाता है, फट जाता है, आपने देखा होगा ऐसा। तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत बढ़िया काम करता है। नॉस्ट्रल्स क्रैक, रैशेस बर्न, नाक, उसमें तो पानी, जैसे कि मैंने कहा ये सर्दी जुकाम के लिए काम करता है, अगर सर्दी जुकाम लॉन्ग टाइम तक रहने के बाद उसके नाक का जो ऊपरी हिस्सा या साइड वाला ऐसा हिस्सा वो फट जाता है, क्रैक हो जाता है, जलन होती है, दर्द होती है, इस तरह की सिचुएशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक ऑफ सेबेसिस ग्लैंड, ऑयली सिक्रेशन कम होने के कारण ये सब होता है, वो फट जाता है, ड्राई होता है, उसके ऊपर सर्दी जुकाम का जो असर है, जो एसिडिक जो वाटर आता है नाक से, उसमें भी टच होके ये फट जाता। तो उस दोनों तरह की सिचुएशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। टिप्स ऑफ द फिंगर रफ क्रैक्ड एवरी विंटर, सर्दी के मौसम आते ही उसका हथेली का, पैरों का, कुछ भी हो, यहां पर टिप ऑफ द फिंगर्स मतलब हाथ का, पैर का, दोनों का आप ले सकते हैं, वो फट जाता है, ड्राई हो जाता है, क्रैक्ड हो जाता है, फट जाता है। इसीलिए पैर जब फटते हैं, एडिया फटती है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, और हाथों में भी कुछ लोगों के
ये चीज देखने को मिलती है। जो भी फिंगर्स हो वो ड्राई हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, खून भी कभी कभी आने लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। सोरेसिस ऑफ हैंड्स, सोरेसिस हाथ का हो या फिर मोस्टली यार हैंड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा शरीर में कहीं भी हो सोरेसिस जो कि विंटर सीजन में एग्रेवेशन करता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो गया। पोटेंसी के बारे में बता देता हूँ, जितने भी तरह के स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्किन के प्रॉब्लम्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप 30 पोटेंसी दिन में दो बार करके 5-7 दिन लेना, फिर उसके बाद 200 का एक सिंगल डोज, सिंगल डोज मतलब 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर उसको ले लेना, रिपीट नहीं करना। 10-15 दिन वेट करिए रिजल्ट क्या आता है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डोज के बारे में सोच सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, ये स्किन के मामले में। तो 1M भी उसी तरह से ले सकते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो 1M का भी 1 महीने बाद सिंगल डोज लेकर 1 या 2 बूंद उसी तरह से डाइल्यूटेड फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बार बार रिपीट नहीं करने से एग्रेवेशन हो सकता है, तो रिपीट ना करें। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए 30 इज द आइडियल पोटेंसी। सबसे बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं हम 30 पोटेंसी में, दिन में 3 से 4 बार आप आराम से इस्तेमाल करिए, 5-7 दिन 10 दिन, और फिर उसके बाद 200 का सेम टू सेम 1 या 2 डोज, उससे ज्यादा नहीं। अगर स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप 2 डोज दे सकते हैं, सुबह शाम करके 2 बार बस दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। या कभी कभी हाइपोसेंसिटिव है तो 2 दिन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर स्किन का प्रॉब्लम हुआ तो कभी उसको रिपीट ना करें, स्किन का प्रॉब्लम ना हुआ तो आप 1 या 2 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो ये सिम्टम्स अगर आपको मिले और उसी तरह से पोटेंसी का सिलेक्शन हो तो बढ़िया काम करता है। मेंटल सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है किसी में, तो डायरेक्टली आप 1M का सिंगल डोज दीजिए 2 बूंद और एट ए टाइम 15 दिन से 1 महीना छोड़ दीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजों के बारे में हमने जिक्र किया। पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीक्रेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स के बारे में जिक्र किया। आप अच्छी तरह से इसको नोट करिए और यूज करें घर में अपने, जरूर रखिए विंटर सीजन में पेट्रोलियम 30 हो 200 हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए। नमस्कार।